शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। जैसे आप जानते हैं कि यूडाइस प्लस में सभी हमारे शिक्षक साथियों ने अपने स्कूल का डाटा अपलोड कर लिया होगा। अब हम इस डाटा को सर्टिफाई करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले लॉगिन में जाएंगे और वहाँ पे यूडाइस प्लस ओपन कर लेंगे। यहाँ पर यूज़र नेम को हम क्लिक करेंगे, उसके बाद पासवर्ड, और फिर हम यहाँ पर कैप्चर कोड डालेंगे। तो आप देखेंगे जब हम यहाँ कैप्चर कोड डालेंगे, फिर उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे जो नीचे वाला ऑप्शन है क्लिक हेयर टू ओपन DCF, इसको हम यहाँ पर भरेंगे। तो हम जैसे इसको क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टेटस में आ रहा है नॉट सेटिस्फाई, और ओवरऑल स्टेटस में आ रहा है कंप्लीट ऑल द फॉर्म्स। तो यहाँ पे कंप्लीटेड आ रहा है, जो हमने डेटा जितना भी भरा तो कंप्लीटेड आ रहा है। हम स्क्रॉल करके नीचे जाके इसको चेक कर लेंगे कोई डेटा हमारा अनकम्प्लीटेड तो नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो हमारा पूरा यहाँ पे कंप्लीटेड आ रहा है। तो यहाँ पर यहाँ एक बार चेक करने के बाद नीचे आएंगे जहाँ पे लिखा है कंप्रेशन एंड सेटिस्फाइड डेटा। तो यहाँ पे ग्रीन है, इसको हमें क्लिक करना है, और यहाँ पे नॉट सेटिस्फाई अभी रेड कलर में आ रहा है। तो आप सबसे पहले कंप्रेशन एंड सेटिस्फाइड डेटा को क्लिक करें तो एक दूसरा पॉपअप मेन्यू खुलेगा, जिसमें आप देखेंगे आपने जितनी जानकारी भरी उसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे दिखाएगा। आप यहाँ पे चेक कर लेंगे सारी जानकारी, कोई जानकारी छूटी तो नहीं। तो यहाँ पर आ रहा है यहाँ पे सेटिस्फाई जो मॉड्यूल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ये राइट निशान चेक हो जाएगा कि ये प्रमाणित है कि आपके द्वारा जो भरा गया डाटा है वो पूर्ण है और एकदम करेक्ट है। तो जिसने भी डेटा भरा है, या प्रधानाचार्य का नाम भी यहाँ पे आ सकता है, डिक्लेरेशन, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर और साला दर्पण आईडी आप अपने स्कूल की यहाँ पे डालेंगे। तो इसे डालने के बाद आप देखेंगे कि हमें उसके बाद उसे सर्टिफाई करना है। जब यहाँ में करेंगे तो एक यहाँ पे आएगा सर्टिफाइड डेटा, इसको हम जैसे क्लिक कर देंगे तो एक नया विंडो यहाँ पे खुलेगा जिसमें लिखा है DCF सर्टिफाइड सक्सेसफुली। यहाँ पे ये हमारा सक्सेसफुल हो गया, नीचे एक मैसेज आ जाएगा हमारे पास ओके करने के बाद, स्कूल डेटा हैज़ बीन सेटिस्फाइड सक्सेसफुली। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट है, अगर आप एक्नॉलेजमेंट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हो, ये प्रमाणित रहेगा आपके पास कि आपने सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है। तो देखा कितना आसान तरीका है इसको डेटा को सर्टिफाई करना। धन्यवाद।